नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है। मऊ जनपद में पुलिस को नए साल पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरालखनसी थाना पुलिस ने दो अंतर जनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने कुल 6 बाइकों को बरामद किया। इस संबंध में सरालखनसी थाने में सीओ सिटी धनंजय कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से ये बरामद बाइकें हैं, जिसे दो अंतर जनपदीय बाइक चोरों के पास से बरामद किया गया है। आपको बता दें, जिले में पुलिस इस वक्त काफी अलर्ट है और ऐसे में तमाम खुलासे पुलिस कर रही है। एसपी अविनाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। और आप अब सुने सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट। सर, किस तरह के चोर हैं, क्या है मामला? ये अंतर जनपदीय वाहन चोर हैं, दो व्यक्ति हैं पकड़े गए हैं। एक हमारे प्रधान क्षेत्र के रहने वाले, एक मर्दा क्षेत्र का लड़का है। दोनों कुल इनसे 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, जिसमें 3 के संबंध में थाना मर्दा गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत है। बाकी 3 का टेस्ट किया जा रहा है उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के माध्यम से। कितने बरामद हुए हैं सर? कुल 6 वाहन मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, दो लोग गिरफ्तार किए गए। कहाँ से पकड़े गए हैं सर? ये बकवाल के पास से पकड़ा गया था, फिर उसने ले जाकर कुछ मोटरसाइकिलें अपने दुकान पर रखा था सोनू ने। तो हमारी सरालखनसी की पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में संतोष यादव और ये सारे लोग हमारे धर्मेंद्र और कर्मचारी हरचरण यादव और ये सब मिलकर सब किसी संगठित गिरोह के हिस्सा हैं। ये संगठित अपराध कर रहे हैं। 6 वाहन बरामद होने का मतलब अपने धनोपार्जन के लिए, लाभ के लिए संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं। सर, दुकान भी क्या किसी की? इसमें सोनू की दुकान है। किस चीज की? मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल की दुकान है। तो क्या चुरा के वहीं ले जाता था? चुरा के ले जाता था, उसमें पार्ट होकर चेंज करके वहाँ बेच देता है। अच्छा, अब तक कितनी मोबाइल गाड़ियाँ सर बेचा इसने, क्या पता चला? 6 तो बरामद हो गई है, बाकी अभी पूछताछ किया जा रहा है, जो निकलेगा वो बताया जा रहा है। ठीक सर। जी, आप पीछे कर लीजिए।